Hi guys, welcome in my YouTube channel once again. Like, okay. So, अपने इंडिया में जब से ऑनलाइन का चलन स्टार्ट हुआ है तब से पेमेंट के अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को ज्यादा मिलते हैं और इन्हीं ऑप्शनों में सबसे फेमस ऑप्शन जो इस समय ट्रेंडिंग है वो है पे लेटर। तो आपको पे लेटर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे कंपनियां ऑफर करती हैं, आपके पास बहुत सारे मेल भी आते होंगे जहाँ पर इंस्टेंट लोन करके आपके पास मैसेज आते होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग किसी भी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो इतनी इजीली लोन नहीं मिलता, उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटी वगैरह होती हैं। लेकिन जब भी हम लोग एक इंस्टेंट लोन का नाम सुनते हैं तो किसी भी तरीके की रिसर्च के बिना ऐसी कंपनी की तरफ चले जाते हैं या फिर ऐसे एप्लीकेशन या वेबसाइट की ओर चले जाते हैं और हम लोग वहाँ से ले लेते हैं लोन। सो गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंस्टेंट लोन देने वाला जो एप्लीकेशन बहुत से हैं जिसमें से मैं आज बात करने वाला हूँ सिंपल एप्लीकेशन के बारे में और जो स्कैम चल रहा है सिंपल एप्लीकेशन प्लस जोमेटो एप्लीकेशन, इन दोनों की मिली भगत है। इन दोनों के थ्रू जैसा स्कैम चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को मेरे कर लीजिए सब्सक्राइब और नीचे जो बेल आइकन है उसको भी जाकर के प्रेस कर देना। तो चलिए करते हैं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, अगर आपने कभी सिंपल एप्लीकेशन को यूज किया होगा तो आपको पता है कि इस एप्लीकेशन में जब आप रजिस्टर करते हैं तो किसी भी तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती, ना तो आपको आधार कार्ड देने की जरूरत है ना तो अपने पैन कार्ड को देने की जरूरत है, किसी भी तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं। सिर्फ आपके मोबाइल नंबर पे ही एक आपका अमाउंट अलॉट कर देते हैं और आप उस अमाउंट को एज ए लोन की तरह यूज कर सकते हैं। तो ऐसे एप्लीकेशन में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, रजिस्टर तो कर लेते हैं लेकिन ये नहीं सोचते आखिरकार ये कंपनी जो है आपको लोन दे के रही है वो भी बिना किसी भी तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट लिए बगैर। और सेकंड पॉइंट ये आता है कि लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं इस एप्लीकेशन से लोन ले लूं और इसका जो भी अमाउंट है उसको यूज करने के बाद अपना जो पैसा है उसको वापस ना करूं तब क्या होगा, क्या ये कंपनी हमारे पर कोई एक्शन दे सकती है या नहीं ले सकती। तो दोस्तों, जो ये सिंपल एप्लीकेशन है ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नहीं है, मतलब कि ये RBI के थ्रू रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके ऊपर ये किसी भी तरीके की लीगल एक्शन नहीं ले सकती अगर आप जो है इसका अमाउंट पेमेंट नहीं करते हैं। तो दोस्तों, मन में डाउट ये आता है कि अगर ये कंपनी आपको पैसे दे देती है लोन तो उसको वापस कैसे लेगी। तो यहाँ पर दोस्तों, जो सिंपल एप्लीकेशन है इसने अपने पैसे को वापस लेने का जो तरीका अपनाया है वो एक तरीके से स्कैम का तरीका अपनाया है। अभी आजकल अगर आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पेमेंट के पे लेटर ऑप्शन में आपको सिंपल नाम का लिंक या फिर जो भी उनकी ऐप का लोगो वगैरह वो आपको मिल जाएगा। अब होता क्या है कि आप वहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे इंस्टेंट आपका अकाउंट वो क्रिएट कर देता है, आपको एक अमाउंट अलॉट कर देगा और बिना आपको किसी भी तरीके का एग्रीमेंट दिए बगैर आपका पेमेंट भी कर देगा। अब एक बार आपका पेमेंट हो जाने के बाद आपको लगता है कि कितनी इजीली तरीके से हमारा अमाउंट पे कर दिया है, लेकिन उसके बाद की कहानी जो क्या होती वो आप लोग नहीं जानते। देखिए दोस्तों, कोई भी हो जब भी वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो अपने प्रॉफिट के लिए बिजनेस स्टार्ट करता है या फिर कोई भी ऐप लॉन्च करता है, वेबसाइट या फिर प्रमोशन कर रहा होता है तो अपने फायदे के लिए कर रहा होता है, वो कस्टमर के फायदे के लिए नहीं करता ये सब चीजें। तो मैं आपको कुछ प्रूफ के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सिंपल एप्लीकेशन किस तरीके से आपका करता है। दरअसल दोस्तों, मेरे साथ क्या हुआ, क्रिसमस डे के दिन 25 तारीख को मॉर्निंग में स्टार्टिंग में मेरे पास मैसेज पे मैसेज आने स्टार्ट हुआ। अभी मैसेज कहाँ से आ रहे थे, कौन कर रहा था मुझे नहीं मालूम, मेरे पास सिर्फ OTP ही आ रही थी और जो भी OTP आ रही थी वो आ रहे थे सिंपल एप्लीकेशन के थ्रू और लेजी पे एप्लीकेशन। अब एक मिनट के अंदर ही दोस्तों कम से कम 10 मैसेज मेरे पास आ चुके हैं। तो चलिए, एक बात मैं ये मान लेता हूँ कि सिंपल एप्लीकेशन में मैंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो वहाँ से मेरे पास मैसेज आ गए, कोई बात नहीं, OTP वगैरह आई है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने लेजी पे एप्लीकेशन को कभी ना तो डाउनलोड किया है ना तो उसमें कोई अकाउंट क्रिएट किया है, लेकिन उसके थ्रू भी मेरे पास OTP आ रही थी। इसके बाद फिर क्या हुआ कि अचानक से मेरे पास एक मेल आ जाता है। अब जो मेल पे मेरे पास मैसेज आया वो एक ऑर्डर कन्फर्मेशन का मेल आया था कि मेरा एक ऑर्डर जो है वो कंफर्म हुआ है जोमेटो की ओर से और उसका जो बिल था वो कुछ 1200 रुपीज था। तो दोस्तों, इस मेल को देखने के बाद मैंने जो है इनके कस्टमर केयर के पास मेल किया क्योंकि इनका कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, आप इनसे कॉन्टेक्ट नंबर मांगेंगे तब भी नहीं देंगे। तो मैंने जो है मेल किया और अपनी बात बताई कि जो है ये ऑर्डर मेरा नहीं है, किसी और का है, आप जो इसका इन्वेस्टिगेशन करिए, जो भी आपका प्रोसेस है वो आप करके इसको फाइंड आउट करिए कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। तो इसके बाद क्या हुआ, वहां से फिर से मेरे पास मैसेज आया कि ये जो है ऑर्डर आपका हुआ है
जोमैटो की ओर से, और जो ये ऑर्डर किया गया है ये दिल्ली का कोई एड्रेस मुझे दिया, आप इसको देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी इमेज वगैरह। तो दिल्ली से किसी बंदे ने जोमैटो के थ्रू ऑर्डर बुक किया और जो बिल आया वो मेरे सिंपल ऐप के अकाउंट में आया 1200 रुपीज का। इसके बाद क्या हुआ, मैंने वापस ईमेल का रिप्लाई किया और बताया कि जो है ये मेरा ऑर्डर नहीं है। इसके बाद मेरे पास मेल का फिर से रिप्लाई आता है और उसमें बोलते हैं कि आपका कोई फैमिली मेम्बर या फिर आपका कोई फ्रेंड होगा और आपने उसको एक्सेस दिया होगा तभी जो है ये ऑर्डर कंप्लीट हुआ होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में अपने मैसेज आपको दिखाए हुए थे, एक मिनट में ही जो है कम से कम 10 मैसेज तो आए होंगे। अब ये पॉसिबल ही नहीं कि आप जो है एक मिनट के अंदर किसी को कॉल करके अपना OTP बताएं और कंफर्म कराएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और सिंपल ऐप के थ्रू मेरा जो पेमेंट हुआ है इसका टाइमिंग और जितने भी मेरे पास मैसेज आए हैं इनके टाइमिंग में भी डिफरेंस है, क्योंकि जिस OTP के थ्रू ये पेमेंट जो है कंफर्म हुआ है वो OTP मेरे पास आया ही नहीं, उस रिलेटेड को कोई भी मैसेज मेरे पास आया ही नहीं, उसके बाद के मैसेज मेरे पास आए हैं, सबकी टाइमिंग वगैरह आप चेक कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से जब रिप्लाई गया कि जो है मेरा कोई भी फ्रेंड वगैरह दिल्ली वगैरह में नहीं रहता है, मैं जो है यहाँ UP में रहता हूँ, दिल्ली से मेरा कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, तो उधर से फिर से मेरे पास रिप्लाई आया कि जो है 24 से 48 आवर के बीच में जो है आपका इन्वेस्टिगेशन होगा और जो भी प्रॉब्लम होगी वो क्लियर कर दी जाएगी। तो दोस्तों 24 से 48 आवर कब का कंप्लीट हो चुके हैं और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये आज 31 दिसंबर हो रही है, आज तक मुझे अभी उनका कोई रिप्लाई वगैरह नहीं आया, पता नहीं क्या प्रोसेस चल रहा क्या नहीं चल रहा। और इसके बाद मैंने 2 बार और मेल किए तो उसमें भी मुझे वही उनके जो ऐसा लगता है कि कोई मैसेज का फॉर्मेट उन लोगों ने टाइप किया रखा हो, बार बार वही मैसेज ही रिप्लाई करते हैं। तो मैंने 2 मेल और भेजे और वहाँ पर जो है उनसे कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह लेने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह नहीं दिया, एक्चुअली कोई रिप्लाई नहीं आया मेरे पास। तो दोस्तों अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एक जो पे लेटर वाली कंपनी होती है जो आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कराती है वो किस तरीके से स्कैम करती है। हो सकता है किसी के लिए अच्छा हो और किसी के लिए बेकार हो, लेकिन जो पैसे इनके वसूलने का तरीका है वो कुछ इसी तरीके का है। इस तरीके से एक फेक ऑर्डर को प्लेस करके किसी के ऊपर बिल फाड़ देते हैं और उनसे जो है पैसे अपने वसूलते हैं। तो यहाँ पर मैं जोमैटो की भी गलती बताना चाहता हूँ कि किसी भी एप्लीकेशन को ये अथॉरिटी नहीं होती है कि आप किसी का एड्रेस या फिर उसकी डिटेल्स वगैरह ऐसे पब्लिकली लीक करें। कोई भी बंदा अपनी पर्सनल डिटेल आपको देता है तो वो आपके एप्लीकेशन पे भरोसा करता है तभी वो अपनी देता है। तो यहाँ पर सिंपल एप्लीकेशन है, पता नहीं किसी बंदे ने ऑर्डर किया भी है या फिर इन्हीं लोगों ने खुद ही बुक कर दिया, उसका फुल एड्रेस और डिटेल्स वगैरह जो है मेरे मेल पर इन्होंने शेयर की। एक्चुअली में ये होना नहीं चाहिए, किसी भी एप्लीकेशन को ऐसा नहीं करना चाहिए। सो गाइस अगर आप एक पे लेटर ऐप को यूज करते हैं जो कि एक इंस्टेंट मनी आपको प्रोवाइड कराती है तो इस तरीके से आप प्लीज दूर रहिएगा और इनको कभी भी डाउनलोड मत करिएगा, नहीं तो आपके लिए जो है एक्चुअली कंपनी आपको कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन आपके पास इतनी ज्यादा कॉल करती है इतनी ज्यादा मैसेज करती है ना कि आप जो है मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं, इसलिए प्लीज जो है इस तरह के एप्लीकेशन से दूर रहिएगा। तो पे लेटर का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप अमेजोन एप्लीकेशन यूज करते हैं तो वहाँ पर भी आपको पे लेटर का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन जब आप वहाँ पर पे लेटर का अकाउंट क्रिएट करते हैं ना तो सिर्फ मोबाइल नंबर देने से काम नहीं चलता, वहाँ पर आपको आधार कार्ड भी देना पड़ता है, आपको पैन कार्ड भी देना पड़ता है, इसके साथ अपनी बैंक की पूरी डिटेल देनी पड़ती है, इसके बाद ही आपका एक अमाउंट अलॉट होता है अमेजोन पे लेटर के वॉलेट में। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और नीचे आपको बेल आइकन मिल जाएगा उसको जाकर के प्रेस कर देना। डिस्क्रिप्शन में मेरा दोस्तों टेलीग्राम का लिंक भी है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।